नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ डेंगू के बुखार के संकेत, लक्षण और बचाव व उपचार के लिए असरदार उपाय। प्यारे दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू होते ही लोगों को डेंगू के बुखार का डर सताने लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगह पानी भर जाता है और इसी जल भराव से डेंगू के मच्छर पनपते हैं। डेंगू का बुखार दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय हिस्सों में फैलने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। डेंगू का रक्तस्रावी हेमरेजिक बुखार डेंगू संक्रमण का गंभीर रूप है। डेंगू के बुखार के शुरुआती लक्षण डेंगू मच्छर के काटने के बाद 3 से 15 दिन में देखे जा सकते हैं और इससे आपको तेज बुखार, सर में तेज दर्द, आंखों को घुमाने के दौरान आंखों के पीछे तेज दर्द आदि डेंगू के लक्षण में शामिल है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, रेसेस और हल्का खून निकलना भी डेंगू के लक्षणों में एक तरह से शामिल होते हैं। कई डेंगू के मरीजों ने कमर के निचले हिस्से और गर्दन में तेज दर्द की भी शिकायत की है। डेंगू के बुखार में गर्दन और पेड़ों, जांघ, जोड़ों के लिफ नोड्स में सूजन आ जाती है। छोटे बच्चों और इससे पहले संक्रमित लोगों में बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में डेंगू के लक्षण कम दिखाई देते हैं। साथ ही डेंगू के बुखार में शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है और प्लेट्स काउंट तेजी से गिरता है। डेंगू का बुखार एक बीमारी है जो डेंगू के मच्छर अर्थात एडिस मच्छर के द्वारा एक वायरस से फैलती है। यह एक गंभीर बीमारी है और आमतौर पर इसके लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जैसे कि सर दर्द, बुखार, थकावट, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन और चकते। डेंगू का बुखार किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह गंभीर रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार डेंगू हो सकता है। डेंगू के बुखार को अन्य नामों से जैसे कि ब्रेकबोन फीवर या डांडी फीवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डेंगू का मरीज जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द महसूस करता है। डेंगू का बुखार वायरल फीवर से ज़्यादा गंभीर होता है। डेंगू का बुखार बहुत ही खतरनाक होता है और यह डेंगू के मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू के बुखार का वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है जिसने पहले संक्रमित व्यक्ति को काटा हो। एडिस मच्छर बरसात के मौसम में प्रजनन करते हैं और यह गमले, प्लास्टिक के बैग और किसी भी चीज़ पर साफ पानी में अंडे देते हैं। एक एडिस मच्छर के काटने से डेंगू का बुखार आ सकता है। डेंगू का बुखार संक्रमित नहीं होता और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे प्रभावित नहीं करता। डेंगू का बुखार कितने समय में फैलता है? एडिस मच्छर के काटने के बाद यह वायरस 3 से 15 दिनों में फैलता है और इस दौरान डेंगू के बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण: बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द, मसूड़ों से खून आना, हड्डियों में दर्द, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, भूख न लगना, कमर के निचले हिस्से में दर्द, जी मिचलना, नाक से खून आना, आंखों के पीछे दर्द। डेंगू के बुखार का उपचार: ये लक्षण दिखाई देने पर आप फौरन खून की जांच करा सकते हैं और इससे आपको डेंगू होने या ना होने का पता लग सकता है। डेंगू का बुखार वायरस से फैलता है और इसलिए डेंगू के बुखार का उपचार करने के लिए कोई निश्चित एंटीबायोटिक नहीं है। डेंगू के बुखार में एंटीवायरल मेडिकेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। डेंगू के सामान्य बुखार का उपचार उसके लक्षण और संकेतों पर निर्भर करता है। डेंगू के लिए घरेलू उपचार: डेंगू के घरेलू उपचार के लिए आराम और ओरल हाइड्रेशन यानी कि अधिक से अधिक पानी और ORS का घोल सबसे उचित उपाय है। डेंगू के लिए असरदार दवाई: डेंगू के बुखार को कम करने के लिए एस्प्रिन, पैरासीटामोल और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का सेवन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक है कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और पूरे बाजू के कपड़े पहने। साथ ही गड्ढों और किसी भी सामान में जल भरा हो तो उन्हें खाली कर दे, क्योंकि जल भराव के कारण ही डेंगू का मच्छर पनपता है। और प्यारे दोस्तों, जब आपको ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो आप फौरन डॉक्टर के संपर्क में आ जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।